वीडियो देखा, उसके बाद हम इसका वीडियो देखने तक हम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये दोपहर का टाइम है। सुबह में सभी बच्चे खाना वाना खा करके चले गए थे स्कूल, उसके बाद में कुछ देर तक आराम की थी। आज होटल भी बंद था तो मैं बैठ गई थी कुछ देर आराम के लिए, क्योंकि कभी फुर्सत नहीं मिलता है बच्चों के साथ हमको बैठने के लिए। तो मैं कुछ देर तक बैठ गई थी, उसके बाद खाना वाना दोपहर का हो गया था। फिर यहाँ पर देखिए बर्तन बहुत सारे जमा हो गए थे धोने के लिए, और यहाँ पर साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी। तो फिर हम सोचे कि सभी बर्तन को इकट्ठा कर लेते हैं, सभी को खाली कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको मांजने के लिए हम इसको फुला देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिपाई छपाई करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी खाना था बर्तन में उसको हम खाली कर लिए हैं, और जो गंदे बर्तन हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। तो क्योंकि चूल्हे के पास हमेशा लिपाई छपाई करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर ना कल हुआ था होटल का काम, तो यहाँ पर देखिए सब्जी गिरा हुआ है, पीला पीला सा नज़र आ रहा है। तो फिर हम कल ना यहाँ पर खाना भी नहीं बनाए थे क्योंकि गैस ख़त्म हुआ था, और यहाँ पर साफ़ भी नहीं किए थे। मेरा ना कल काम करते करते मेरा हाथ पैर दर्द होने लगा था, तो फिर मैं छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत ठंड के वजह से भी थोड़ा सा कभी कभी पैर हाथ दर्द होने लगता है, तो फिर मैं छोड़ दी। और आज मैं फिर से यहाँ पर साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और यहाँ पर कल खाना नहीं बना था क्योंकि गैस भी ख़त्म हुआ था, तो फिर यहाँ हम खाना नहीं बनाए थे, और सुबह में भी यहाँ नहीं बना है खाना, बाहर ही बना है। तो फिर यहाँ पर देखिए अभी हमारा ये यहाँ पर झाड़ू उड़ू हो गया है, बस ये गोबर का घोल लगाना है। गोबर मिट्टी का घोल बना करके रखे हुए हैं पहले से, तो यहाँ पर भी छींटा पड़ जाता है तेल उल का। तो फिर हम ऊपर भी थोड़ा सा लिपाई कर देंगे जहाँ तक तेल पड़ा हुआ है, उसके बाद नीचे भी लिपाई कर देंगे। और किचन की साफ़ सफाई करो, फिर भी ऐसा बुरा हाल हो जाता है जब खाना वाना बनता है उसके बाद, कि उसको फिर से शुरू से ही इसको करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हमें तो ये सब का ध्यान हमेशा रखना चाहिए चूल्हे के पास में। पर साफ़ सफाई करने के बाद अभी मुझे बर्तन ढेर सारे धोने पड़ेंगे, और बच्चे के भी ख्याल रखना पड़ता है। आजकल बच्चे को भी थोड़ा सा ख्याल ना रखो तो फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हमारा तो लिपाई हो गया है, अभी बर्तन बहुत सारे धोने हैं, सभी को धो दूँगी। उसके बाद बच्चे लोग को हाथ पैर धोना है, सभी को तेल मालिश करनी है। बच्चे को सुबह शाम तेल मालिश कर देते हैं तो फिर अच्छा रहता है, और नहीं तो ये लोग को स्वेटर पहना, मतलब स्वेटर तो नहीं पहनते हैं, पहनते हैं लेकिन बहुत कम, कभी ज़बरदस्ती कर दो तब तो फिर ऐसे में लोग को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा होता है, ये मतलब संभावना होती है। तो फिर हम इन लोगों के लिए मैं गर्म कर देती हूँ तेल, लहसुन वाला तेल, और उसके बाद हम उसी को मालिश करते हैं। देखिए अंदर में रोहन सो रहा था, वो अभी उठ रहा है और बोल रहा है मम्मी, इस टाइम हमको बुला रहा था। हम बोले उठ जाओ अपने से, तो बोलता है आ जाओ इधर। तो हम यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद बहुत करके ये दोपहर में सो गया था। देखिए अभी अभी उठा है, सो रहा था, गर्मी लग रहा था बेटा, उनको बहुत। हाँ बोलो एक बार, हाँ बोलो तो देंगे, हाँ दोस्तों बोलो, अच्छा उठो ना, देंगे ना, आओ ना, चलो। ये अभी थोड़ा देर वीडियो देखा, उसके बाद हम इसका वीडियो देखने तक हम पूरा यहाँ पर साफ सफाई का काम कर दिए थे। देखिए इधर तो देख लो, दिखा देते, कहाँ बाहर जाएगा, साफ सफाई काम हो गया अंदर का, बाहर जाएगा, चलो ना तो चलो। कितना धूल उड़ रहा है, बाहर में झाड़ू किए तो इधर भी झाड़ू हो गया है, सब जगह झाड़ू कर दिए हैं, बस बर्तन धोना बाकी है। देखिए ये एक बारात का बर्तन है, सभी को हमको धोना है बाहर। ये क्या करने ले जा रहे हैं बाहर, कहाँ उधर कहाँ करेगा, रोहन कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जा रहा है बेटा। तो ये बाहर इसलिए लेकर के आया है क्योंकि अभी उठा है तो शाम का टाइम है, शाम नहीं दोपहर का टाइम है, तो थोड़ा ठंड लग रहा होगा, तो ये धूप में रखने के लिए बोल रहा था ना बेटा, हाँ धूप में रहेगा। अभी मेरा बहुत काम है, बर्तन धोना है ढेर सारा ना, हाँ इसको भूख लग गया। अब देखिए कितना सारा बर्तन है, दिखा देते हैं,
इतना सारा पूरा चूल्हा जितना भी गंदा बर्तन था सबको निकाल दिए, क्योंकि हम झाड़ू करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है। तो फिर हम सभी को समेट लिए हैं। हो और छोटे देंगे थोड़ा सा दिखाने दो, यहाँ पर लौकी है, आज लौकी का सब्जी बनेगा और आज पूड़िया बनाएंगे रात में, सोचे हैं। अब देखिए खाना, इसको भूख लग रहा है, अब इसको देते हैं खाने के लिए कुछ। इसको अभी हमको फोल्ड करने हैं, अभी रोहन को ले गए हैं पीछे तरफ खेलने के लिए तो वो चला गया है, और नहीं तो मोबाइल को ही लूटता है। और यहाँ पर देखिए ये कपड़े हैं, अभी हम फोल्ड कर रहे थे, एक दो कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। और यहाँ पर हम डाले हुए हैं अभी पानी भरने के लिए, तो ये भरा है कि नहीं, नहीं भरा है अभी तक, तो एक दो कपड़े फोल्ड हो जाएंगे। हम सभी बर्तन को फुला दिए हैं पानी ले करके, और अभी हम इसको फोल्ड करेंगे कपड़े को, ज़्यादा नहीं है, एक दो कपड़े तो फोल्ड। देखिए अभी हम फोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, रोहन पाया था। सूखे हैं, इसको बाहर में टांग देते हैं, फैला देंगे ऐसे करके। फैला दिए, और जो कपड़े हैं उसको अंदर ले जाएंगे रखने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं, रख देंगे इसको। पानी भी भर गया है, देखिए उससे भी पानी भर गया था, हम डेक्सी में डाल दिए हैं। और अभी हम चलेंगे अंदर इसको रखने के लिए, रख के आएंगे। अभी शाम का टाइम है, अभी स्कूल भी छुट्टी होने वाला है, 3 बजने वाला है, तो 3 बजे आ जाते हैं बच्चे। देखिए क्या हाल बना करके रखते हैं बच्चे, ऐसे कपड़े एक दिन फुर्सत मिलेगा तो फिर अलमारी भी करना है। यहीं पर अभी रख दे रहे हैं, जिसका जिसका है उसको अलग कर देंगे हम पानी भरने के लिए। तो सभी बर्तन में अभी हम पानी भर दिए हैं, देखिए बस मांजना बाकी है। और जो पाइप बिछाए थे उसे भी हम फोल्ड करके वहाँ पाइप यहाँ पर डाल दिए, इसको सरिया करके यानी फोल्ड करके, अब बस रख गया है मांजने के लिए। तो चलिए अब मांजते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे हो गए हैं बर्तन, पहले इसको साइड कर लेते हैं। नहा करके सुबह नहीं छोड़ दिए। पापा आया, रोहन के पापा गए हुए हैं बाजार, वो आने वाले हैं अभी, इंतजार में है। रोहन पापा से बात कर रहा है, क्या कर बेटा पापा? हाँ जल्दी आइए, को ले लिया है हाथ में और बोल रहा है कि जल्दी आइए पापा, पापा को याद कर रहे हैं। जल्दी आइए मिठाई लेके, यहाँ देखो ना दरवाजा से, हाँ पापा आएंगे अभी। हाँ घर दरवाजा आंगन सब झाड़ू हो गया है, पानी भी भर दिए हैं, बर्तन भी आ जाएगा, फिर बच्चे लोग को अभी साफ सफाई, उसके हाथ पैर धोएंगे, तेल डाल देंगे, और हम भी स्वेटर उटर पहनेंगे, फिर बनाएंगे कुछ भी बार करेंगे, क्या सब्जी बनता है रात की, पहले बर्तन धो लेते हैं। आज तो सोच रहे हैं पूड़ी बनाएंगे, देखो बनता है कि नहीं, बनाने की तो सोच लिए हैं। आलू आलू चना मतलब चना फुला करके रखे हुए हैं, लौकी है उनको कट करेंगे और बॉईल करके पकाते हैं। क्या करते हैं, पहले बर्तन धोते हैं। दीदी कहाँ गई बाबू? रोहन दीदी, दीदी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई? रोड तरफ नहीं जाना, गाड़ी आता है। हाँ चांदनी रोशनी और सूरज भी आएगा अभी।
चांदनी का आने तक हम मांझ धो देते हैं ताकि वो भी आराम करे काफी, क्योंकि रोज आती है, हमारा होटल का टाइम हो जाता है तो फिर हम लोग होटल के लिए दौड़ते हैं बर्तन वर्तन लेकर। आज होटल भी बंद है तो फिर होटल का काम नहीं हुआ, लेकिन आज पूरे घर की साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गई है, तो फिर अभी मांझने धोने में थोड़ा टाइम लग गया तो वो अभी तक हम नहीं मांझ धोए। ये बर्तन धुला हुआ था लेकिन जब झाड़ू कर रहे थे तो फिर धुल हुआ था तो हम इसको भी निकाल लिए। बड़ा बड़ा देखते हैं खाना बनाए तो बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं तो इसमें हम खाना बनाते हैं और हम लोग रहते हैं तो इसमें छोटा सा डेकची बनाते हैं। तो इसमें जब हम लोग खेल सारे हो गए थे सभी को आए थे, संतू सभी उसका मम्मी पापा सभी आए थे तो फिर वहाँ पर हम खाना बनाए थे। तो आज खत्म हुआ है खाना, फिर से ना बना दे। हाँ या ठीक है, बात करो तुम फोन से है। यहाँ पर जो सकड़ी जुट्ठा होता है उसको हम जमा करके अभी हम बर्तन धो लिए हैं, हाथ पैर धो लिए हैं, रोहन को भी धो दिए हैं। अभी रोशनी को तबीयत खराब हो गई है तो फिर हम उनके लिए तेल गर्म करने के लिए जा रहे हैं। पहले इसको डाल देते हैं। नहीं परेशान करो, खांस रही है, सर्दी खांसी तबीयत खराब हो गया है। यहाँ पर हम गरम करेंगे तेल, देखिए सरसों का तेल यहाँ पर डाल देंगे। मम्मी हाँ ये कितना बुखार हो गया, बुखार हो गया, गिरेगा गिरेगा, मत उतरो, हम आ रहे हैं, बैठो हाथ पैर पोछाओ ना, अभी तुमको भी तेल डाल देंगे तेल गरम करने के बाद। देखिए तेल गरम कर रहे हैं अभी, देखिए रोशनी सोई हुई है, इसको अभी हम तेल डाल देंगे, इसको सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार है, बुखार है, इसको हम धो दिए हाथ पैर इसलिए लंबे पंगे है। हाँ तुमको तेल लगा देंगे, ये देख पैजू पहना देंगे, हाँ जल्दी हाँ लंगू पंगू दिख रहा जल्दी चीरची लंगू पंगू है, सूट के लगाएगा, ऐसा तेल कभी लगाने नहीं देता है, देंगे परेशान, ऐसा तेल कभी भी लगाने नहीं देता है, आजकल से सो रहा है तेल लगाने के, ठंडा लगता है ठंडा लगता है। आजकल बच्चा लोग को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो ठंड लग जाता है, सर्दी लग जाता है, इसको बोलते हैं रात में उड़ो, रात में नहीं उड़ती है ना, इसके कारण सर्दी हो गया है, स्वेटर नहीं तो स्वेटर नहीं पहनती है, रात में ढपाती जीतिएगा, इसलिए सर्दी जुकाम हो गया रोशनी का। अभी तेल डाल देंगे दोनों बच्चा को, रोहन को डाल लेते हैं, सुबह शाम तेल डालना चाहिए, कहा पीलू देखिए, हाँ रोहन दिखा रहे खपरा पीलू, देख लीजिए दोस्तों झोंक रहे हैं, तेल ना बाबू हमारे
और जूता कहाँ रखा है? की थी थी। अच्छा चलो पज पहन लो, मोजा नहीं पहना रहे, मोजा महिला हो गया है ना, नित होती है आज पर नहीं पहनो, ठीक है मतलब चलो ट्रेन गाड़ी देखे। अब भी देखे थोड़ा मुश्किल बाबू क्या बोला मैं कौन छू ट्रेन गाड़ी के देखने चलो तेल डालना हमारे मुझे भी तेल डालना ये आदमी चुभे होला है अभी तक पापा नहीं आए हैं कहाँ जा इंतजार कर रहा है सो गया जा कहाँ गया तुमको भी लगा दे मस्त बुखार है नहीं लगा देते तो पापा को फोन करेंगे बोलेंगे बुखार हो रहा दवाने का बुखार ना ले रहा हूँ आपको तो दवा ने कह ले यहाँ पे ढेर सारे बैठे हुए दोस्तों देखिए हम फिर फ्री फायर खेलने आ जाना सूरज के साथ टीम कोड दे दे। यहाँ पर हम बना रहे हैं चाय अदरक और ये लाल चाय बनाएंगे शाम की चाय है अभी हमको ठंडा लग रहा है तो हम बांध लिए हैं अपने सर सब्जी के लिए निकाल लेते हैं सभी को आलू लौकी और चना चने की बनेगी इसको हम छील लेंगे इसको चाय बनने तक हम इसको छील लेते हैं फिर हमारी चाय भी बन जाए क्या बोल रही थी रोशनी क्या बोल रही थी प्लेट हाँ तो देखिए आलू और लौकी हम काट दिए हैं ये है प्याज इसे भी काट दिए यहाँ पर हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाही अभी हम डालेंगे इसमें तेल तो देखिए तेल डाल देते हैं बाबू खेल रहा है अंदर ज़्यादा नहीं डालेंगे और चना निकालेंगे थोड़ा सा चना भी है चने भी गर्म हो जाएगा तो प्याज डालेंगे चने डालेंगे फिर उसको डालेंगे तो अभी देखिए पूड़ी के लिए अभी आटा चलाने जा रहा है अभी आटा चाल रही है छोटी छोटी आटा चलेगी हम सब्जी चढ़ाएंगे गर्म हो चुका है इसमें डाल देते हैं प्याज क्या जी आटा चाल रही है सब कुछ चाल रही है सब चल रहा पिर्ची बैठी है चाल थोड़ा थोड़ा करके पहले चढ़ा लेते हैं सब्जी प्याज भिजाने के बाद हम इसको डालेंगे फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी आटा चालने के बाद छोटी इसको गूंद रही है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके तो आज ढेर सारा आटा गूंदना पड़ा अभी लाइट कर गया है अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है और इधर देखिए सब्जी बनके तैयार है इसमें मसाला डाल दिए हैं लौकी आलू और चने की सब्जी है अगर थोड़ा सा खाना भी चढ़ा दिए हैं क्योंकि कितनों भी रोटी खाए चाहे तो पूड़ियाँ खाए लेकिन खाना खाने का मन भी करता है सभी को खाना भी चढ़ा दिए हैं तो यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ हम डाल रहे हैं और यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए हैं साथ में और बेल रहे हैं एक जन और एक जन गुलिया बना रहे हैं और इधर हम फ्राई कर रहे थे यानी डाल रहे थे पूड़ियाँ और बाहर भी बैठे हुए हैं बच्चे लोग सभी हल्ला गुल्ला कर रहे थे इस टाइम में तो लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो तो बस इतने ही तक आज के लिए चलिए और मिलेंगे अगले वीडियो